बरेली में जनता कर्फ्यू का असर साफ नजर आया। जरूरी सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो बाजार पूरी तरह से बंद रहा। लोग जरूरी काम के लिए बाहर निकले और वापस घरों में चले गए। कुछ लोग बिना वजह बाहर दिखे तो पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आई। जब हमारी टीम ओपन जिम पर पहुंची तो वहां पूरी तरह सील किया गया था ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। फिर हमारी टीम बरेली के जिला अस्पताल के बाहर पहुंची तो वहां का नज़ारा कुछ अलग ही था। वहां पर बैठी एक महिला अपाहिज को देखकर मन विचलित हो गया और जब स्कॉर्पियो में भीख मांग रही थी तब जरा सोचिए कि उस महिला की कितनी बड़ी मजबूरी होगी, उसे भीख कौन देगा। तभी भीख मांगने वाला एक और शख्स वहाँ आया और कहने लगा, बस क्या बताइए, कोई बस्ती में खाना तो दे। बरेली से आमिर नावेश के साथ अब्दुल हसन की रिपोर्ट। क्या कैसे आप लोग को बड़ी परेशानी तो नहीं है कोई? अरे साहब, खाने पीने की परेशानी तो हो गई है। अच्छा, तो आप मतलब भीख मांगते हैं, कोई कहाँ कुछ नहीं करते हैं? अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो वही कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कैसे जुगाड़ हो रहा खाने पीने का, आपका कैसे जुगाड़ कर रहे हैं? खाना पीना तो कोई बस्ती में चले जाते हैं, कोई भी खिला देता है। तो अच्छा, चलो बाबूजी थे चाय पीने के लिए। क्या फर्क पड़ा है आपको, कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हुई है इसे बंद होने से?